पानी के नीचे कर लेंगे, ऊपर कर लेंगे। देव दीपावली पे खास हो रहा है, मंदिर चौराहे पे आप गेट देख रहे हैं, बड़ा सा बना हुआ है। हम लोग सजावट वहीं से इस बार शुरू करवा रहे हैं, पिछले साल तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार सजावट झालर की वहीं से शुरू होगी। उसके बाद 10 कदम आप आगे आएंगे तो यहाँ के डी हैं, बड़ागढ़ डी बाबा के नाम से लोग जानते हैं, तो वहाँ भी इस बार खास भव्य सजावट हो रही है। उसके बाद वहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पूरा झालर लाइट का जो सजावट है वो भव्य सजावट सीधे मंदिर के गेट तक आएगा, और मंदिर के गेट से सीधे सजावट आ जाएगा माँ के द्वार तक। और देव दीपावली के खास अवसर पर माँ का मंगला आरती 4:30 बजे होता है, और एक आरती दोपहर में 2:30 बजे होती है, और रात्रि आरती 9:30 बजे होती है। ये जो कुंड है, सरोवर है, इसमें कितने हज़ार दीयों से आप इसका? इसमें तकरीबन 51,000 दीपों से इसकी भव्य सजावट होती है, और लाइट का डेकोरेशन बहुत भव्यतापूर्वक इसको लगवाया जाता है। लाइट की सजावट बहुत अच्छी होती है, और दीपक अपने घर से लोग 11-11 दीपक ले के यहाँ आते हैं, उसी दीपक को सजवाया जाता है यहाँ। कोई प्रोग्राम भी खास इस पर होगा, कौन मुख्य अतिथि होंगे इसके बाद? इस पर मुख्य अतिथि जिला अधिकारी हैं अरविंद मलप्पा भंगारी जी। विभिन्न प्रकार फूलों से माता जी के धाम सजाया जाता है, और यहाँ पे स्वच्छता पे विशेष ध्यान दिया जाता है। हर जगह जगह पे डस्टबिन रखा गया है नगर पालिका की तरफ से, हमारे गांव के जो मंदिर प्रबंधक उनके तरफ से, और यहाँ जो अध्यक्ष हैं उनके तरफ से। विशेष तौर पे यहाँ माता जी के दरबार में और स्वच्छता के लिए बहुत विशेष ध्यान दिया जा रहा है, गली गली में, गाँव गाँव में, और ये नहीं यहाँ पे पूरे जौनपुर शहर में भी नगर पालिका द्वारा विशेष स्वच्छता के लिए अप्लाई किया गया। देव दीपावली के खास पर्व चौकिया धाम स्थित कुंड में 51,000 दीपों से सजाया जाएगा। सुबह ही मां की मंगला आरती की जाएगी और रंग बिरंगे फूलों से मां का धाम सजाया जाएगा। इस कुंड को 51,000 दीपों से सजाया जाएगा। गांव के हर घर से 11 दीप जाएंगे सजाने के लिए, जो भव्य नज़ारा नजर आएगा। यहाँ पे एक प्रोग्राम भी आयोजन किया गया है जिसके मुख्य अतिथि जौनपुर के DM रहेंगे। कहा जाता है कि देव दीपावली के इस दीप प्रज्वलन पे देवता भी माँ के धाम पर आते हैं देखने के लिए। ETV भारत जौनपुर से सुरेंद्र गुप्ता।